हेलो स्टूडेंट्स माई सेल्फ प्रोफेसर दिनेश जैन टीम फिजिक्स आज हम डी टी एस थर्टी फोर का डिस्कशन करने जा रहे हैं स्टार्ट करते हैं सेक्शन वन क्वेश्चन नंबर वन से देखो यहाँ पर आपको सर्किट में दिया हुआ है कि जब इस की को क्लोज करते हैं तो बैटरी से जाने वाली करंट कितनी होगी तो देखिए जैसे ही आप कहें कि यहाँ की को क्लोज करेंगे टी इक्ल टू ज़ीरो देखो इंडक्टर टी इक्वल टू ज़ीरो इन्फाइट रेजिस्टेंस ऑफर करता है तो टी इक्वल टू जीरो का अगर आप पिक्चर देखोगे तो टी इक्वल टू जीरो का पिक्चर ऐसा आएगा इंडक्टर से कोई करंट नहीं जाएगी टी इक्वल टू जीरो पे सर्किट का डायग्राम ऐसा रहेगा टी इक्वल टू जीरो का ये करंट आएगी V अपॉन R2 टू ये तो बात आ गई टी इक्वल टू जीरो की अगर बात करेंगे t इक्वल टू इन्फिनिटी पे आफ्टर ए लॉन्ग टाइम तो आफ्टर ए लॉन्ग टाइम क्या होगा आफ्टर ए लॉन्ग टाइम ये इंडक्टर जीरो रेस्टेंसर बन जाएगा तो आपका सर्किट ऐसा हो जाएगा अब आपको बैटरी से जाने वाली करंट निकालनी है आर वन आर टू दोनों किसमें पैरल में तो क्या बन जाएगा आर वन आर टू अपन आर वन प्लस आर टू तो करंट कितनी आएगी बैटरी से अब बैटरी से जाने वाली करंट है वी आर वन आर टू अपन आर वन प्लस आर टू ये बैटरी से जाने वाली करंट है ये कब है ये है टी इक्वल टू इन्फिनिटी पर और ये कब थी ये टी इक्वल टू जीरो ओके तो हमारा ऑप्शन हो गया इसका सेकंड देखते हैं क्वेश्चन नंबर टू का सोल्यूशन आपको दे रखा है यहाँ पे कोफिशियंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ टू कोइल इज जीरो पॉइंट फाइव एनरी इफ द करेंट इज इंक्रीज फ्रॉम टू टू थ्री एम्पियर इन पॉइंट जीरो वन सेकेंड इन वन ऑफ देम देन द इंड्यूसड ई एम एफ इन द सेकेंड कोयल इज तो देखो यहाँ पे करंट कितनी चेंज हो रही है दो से तीन एम्पियर चेंज हो रही है कितनी देर में चेंज हो रही है पॉइंट जीरो वन सेकेंड में हो रही है म्यूचुअल इंडक्टेंस कोफिशेंट कितना है जीरो पॉइंट फाइव एनरी तो ई एम एफ कितना आएगा एम एम दे रेखा आपको जीरो पॉइंट फाइव डेल्टा आई थ्री माइनस टू अपॉन डेल्टा टी पॉइंट जीरो वन इसको सोल्व करोगे तो ज़ीरो पॉइंट फाइव अपॉन पॉइंट जीरो वन जिसको सोल्व करोगे तो आएगा फिफ्टी वोल्ट तो ये हमारा ऑप्शन का क्या है कि आंसर आया हमारा सेकेंड ऑप्शन ओके ये इधर चला और ये इधर चला मान लेते हैं इसकी रेडियस आर वन है ये चलेगा टू आर वन और ये चलेगा टू आर टू तो यहां पे क्या है कि इन दोनों के बीच का जो सेपरेशन है वो कितना होना चाहिए टू आर वन प्लस टू आर टू इससे ज्यादा होना चाहिए तभी ये क्या है कि एक दूसरे से नहीं टकराएंगे। और आर वन कितना होगा आर वन होगा एम वी वन अपॉन क्यू बी आर टू कितना होगा एम वी टू क्यू बी तो नहीं टकराने की कंडीशन क्या होगी डी की वैल्यू क्या होनी चाहिए टू आर वन प्लस टू आर टू इससे ज़्यादा होनी चाहिए तो सोल्व करेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा वैल्यू रख दीजिए यहाँ से अब आपको बता रहे हैं क्वेश्चन फोर देखो यहाँ पे आपको देखा है चार्ज पार्टिकल ऑफ स्पेसिक चार्ज अल्फा इज रिलीज फ्रॉम ओरिजिन एट टी इक्वल टू तो जीरो विद वेलोसिटी वी इक्वल टू तो वी जीरो आई के प्लस बी तो जीरो केप इन द मैग्नेटिक फील्ड बी इक्वल टू बी जीरो आई केप द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पार्टिकल एट टाइम टी इक्वल टू तो पाई अपॉन बी जीरो अल्फा और अल्फा है स्पेसिक चार्ज जिसकी वैल्यू है क्यू अपॉन एम तो आपको यहाँ पे पूछा है कि समय टी बराबर बी जी पाई बटा बी जीरो अल्फा पर कण के निर्देशांक होंगे कोऑर्डिनेट क्या होंगे अब यहाँ पे देखिए पार्टिकल की वेलोसिटी कितनी है पार्टिकल की वेलोसिटी है 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 टाइम दिया आपको ठीक मैग्नेटिक फील्ड कितना है? B equal to B0 IK. तो आप देख रहे हैं यहां पे, देखो क्या है, है? यहाँ पे कोई फोर्स नहीं लगेगा क्योंकि वी क्रोस एक्स में कोई फोर्स नहीं तो एक्स में तो कितना चलेगा Vx आई क्रॉस जे करोगे तो के के पाएगा, ओके okay? और वाई डायरेक्शन में इसका कोई जे के वाला कोई कंपोनेंट आएगा ही नहीं ओके okay? तो जे के डायरेक्शन में क्या है कि यहाँ पे कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं है एक्स में कितना चलेगा यहाँ पे एक्स में चलेगा वी एक्स इंटू टी बाई टू जो आपको टाइम दिया हुआ है ये टाइम कितना है टाइम पीरियड होता है टू पाई एम अपॉन क्यू बी क्यू एम को अपने लिखा है अल्फा और यहां पे टाइम दिया आपको टी बाई टू यह टाइम कितना है टी बाई टू तो एक एक्स डायरेक्शन में कितना चलेगा एक एक्स डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं है तो एक एक्स डायरेक्शन में इतना चलेगा तो आप यहां पे क्या कि टाइम की टी बाई टू कितना होगा पाई अपॉन बी जीरो अल्फा तो पाई अपॉन बी जीरो अल्फा करोगे इंटू वी एक्स कर दोगे वी एक्स की वैल्यू कितनी वी जीरो तो ये तो आपके पास एक्स डायरेक्शन का वैल्यू आ जाएगा वाई डायरेक्शन में कोई डिस्प्लेसमेंट है ही नहीं और जेड डायरेक्शन कितना चलेगा माइनस टू आर तो कितना हो गया आर कितना आपके कि पास एम वी अपन क्यू इसकी जगह अल्फा रख दिया वी जीरो अपन बी अल्फा ओके तो माइनस टू आर करोगे तो आ जाएगा माइनस टू वी ज़ीरो अपॉन बी जीरो अल्फा ओके तो ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी माइनस क्यों करा क्योंकि जे क्रॉस आई करोगे तो आएगा माइनस के ओके इसलिए माइनस करा है ये था हमारा क्या है क्वेश्चन नंबर फोर का सॉल्यूशन। अब आपको क्या है कि बात बताते हैं क्वेश्चन नंबर फाइव के बारे में देखो आपको दिया है इन द सर्किट शोन एस वन एस टू आर स्विचेज एस टू रिमेन्स क्लोज फॉर ए लॉन्ग टाइम एस टू लंबे टाइम के लिए क्लोज रहता है अगर एस वन एस टू स्विच है एस टू लंबे, लंबे टाइम के लिए क्लोज रहता है एस वन इज क्लोज डिफरेंस वी एक्रोस आर देखो पहले तो क्या है कि एस टू लंबे टाइम के लिए क्लोज रहता है अगर एस टू लंबे टाइम के लिए क्लोज रखोगे तो देखो क्या हो जाएगा इंडक्टर बन जाएगा वायर और ये करंट आएगी ई अपॉन टू आर ये आपके पास क्या है कि सर्किट की इक्वेशन हुई अब कहेगी एस टू को तो क्लोज है अब एस वन को भी अपन कह क्लोज कर देते हैं अब आपका सर्किट ऐसा हो गया अब यहाँ पे अपन क्या है कि यहाँ से करंट मान रहे हैं I1 वन यहाँ से करंट मान रहे हैं I2 टू ये करंट जा रही है आई यहाँ पे अपने पोटेंशियल मान लिया V1 वन वोल्ट ये ई ए ये भी ई ए ये जीरो 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 एनालिसिस मेथड लगा रहे हैं तो यहाँ पे क्या हुआ ये किरचौप जंक्शन लगा रहे हैं तो I1 वन प्लस आई टू इक्वल टू तो आई हो गया तो I1 कितना हो गया E माइनस वी वन अपॉन आर प्लस ई माइनस वी वन अपॉन टू आर इक्वल टू क्या हो गया E अपॉन टू आर इसको सोल्व कर लेंगे तो हमें क्या है कि यहाँ पे वी वन की वैल्यू मिलेगी वी वन की वैल्यू सोल्व करने पे मिलेगी टू ई पॉइंट थ्री अब आपको निकालना है इस आर के अक्रोस क्या है कि वोल्टेज ड्रॉप तो कितना होगा यहाँ ई माइनस टू ई पॉइंट थ्री ये हो गया ई ए थ्री ये हमारा आंसर हो गया ओके आर के एक्रोस क्या है कि आर के सिरों पे विभवांतर इतना है तो हमारा आंसर हो गया यहाँ पे ई ए थ्री ओके अब आपको बताते हैं क्वेश्चन नंबर सिक्स देखो एक रेडियो को क्या है कि हमने ट्यून कराए जो कौन सी रेंज में काम कर रहा है फाइव हंड्रेड किलो हट से वन पॉइंट फाइव मेगा हट तक काम करता है इफ इट्स एल सी सर्किट हेनरी वट इज द रेंज ऑफ इट्स वेरिएबल कैपेसिटर तो देखो यहां पे क्या है कि आपको फ्रीक्वेंसी की रेंज दे रखी है हमें रेजोरेंस की कंडीशन क्या होती है एफ जीरो वहां से हम क्या निकाल सकते हैं वहाँ से सी की वैल्यू निकाल सकते हैं ये रेजोनेटिक फ्रीक्वेंसी है यहाँ से अगर देखोगे तो एफ जीरो स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया वन अपॉन फोर पाई स्क्वायर एल सी यहाँ से सी की वैल्यू कितनी तो है वन अपॉन फोर पाई स्क्वायर एफ जीरो स्क्वायर एल ये यहाँ पे सी की वैल्यू आई है अब यहाँ पे आपको क्या है ये फ्रिक्वेंसी रेंदर की देखो फाइव हंड्रेड किलो हर्ज और फिर दे रखी है आपको वन पॉइंट फाइव मेगा हट्ज जब आप यहाँ पे क्या है एफ़ की वैल्यू रखोगे फाइव हंड्रेड किलो हर्ज तो आपको सी की एक वैल्यू आएगी इसी तरीके से जब आप एफ़ की वैल्यू रखोगे यहाँ पे कितनी वन पॉइंट फाइव मेगा हर्ज तो फिर आपको किया है वापस सी की एक दूसरी वैल्यू आएगी वो रेंज आपको निकालनी है तो देखो जब आप सोल्व करेंगे जब आप एफ़ की वैल्यू रखते हैं यहाँ पर फाइव हंड्रेड किलो हर्ट्ज़ और सोल करेंगे ना तो सी की वैल्यू आपको मिलेगी 250 फिफ्टी पीको फेरेड इसी तरीके से जब आप एफ़ की वैल्यू डालोगे 1.5 पॉइंट मेगा हर्ज तो आपको सी की वैल्यू मिलेगी 28 एट पीको फेरेड तो ये आपका ऑप्शन हो जाएगा सेकंड ओके अब आपको बताते हैं क्वेश्चन नंबर सेवन देखो द मैग्नेटिक फील्ड एम्पलीट्यूड ऑफ एन इलेक्ट्रो मैग्नेटिक वेव इज टू इंटू टेन पॉल माइनस सेवन टेस्ट इट्स इलेक्ट्रिक फील्ड एम्पलीट्यूड इफ द वेव इज ट्रेवलिंग इन द फ्री स्पेस इज इलेक्ट्रिक में स्पेलिंग में जो है E एल ई e, सी टी आर आई सी आएगा ओके इलेक्ट्रिक फील्ड आपको सबको पता होगा ई अपॉन बी ई यदि ये इलेक्ट्रिक फील्ड का एम्पलीट्यूड है बी जीरो यदि मैग्नेटिक फील्ड का एम्पलीट्यूड है ई अपॉन बी का रेशियो सी के इक्वल होता है अब आपको विद्युत क्षेत्र का आयाम पूछा है तो ई जीरो कितना हो जाएगा ये हो जाएगा बी जीरो सी और बी जीरो कितना दे रहेगा टू इन टेन पावर माइनस सेवन और सी तो पता ही है यह होता है थ्री इंटू टेन की पावर एट मीटर पर सेकेंड तो इसे सोल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा सिक्सटी वोल्ट अपॉन मीटर ओके अब आपको बताते हैं क्वेश्चन नंबर एट क्वेश्चन नंबर एट रेट में आपको देखा था मैग्नेटिक फील्ड लेने प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज गिवन बाय बी वाई इक्वल टू टू इंटू टेन पावर माइनस सेवन साइन पॉइंट फाइव इंटू टेन पावर थ्री एक्स प्लस वन पॉइंट फाइव इंटू टेन पावर एवेंट टी हम क्या है कि इसको वेव की जनरल इक्वेशन से कंपेयर कर देंगे बी वाई इक्वल लिख देंगे बी जीरो साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स अब अगर ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे के की वैल्यू आ रही है पॉइंट फाइव इंटू टेन पावर थ्री और के क्या होता है हमारे पास के होता है टू अपॉन लेमडा तो यहाँ से लेमडा की वैल्यू निकाल लेंगे जब हम जब लेमडा की वैल्यू हम सोल्व करेंगे तो यहाँ पे लेमडा की वैल्यू हमें मिलेगी ट्वेल्व पॉइंट फाइव सिक्स इंटू टेन पावर माइनस थ्री मीटर जो यहाँ पे हमारे पास क्या है कि माइक्रोवेव रीजन की होगी अब आपको बताते हैं क्वेश्चन नंबर नाइन ए कंडक्टर लूप ऑफ रेडियस आर इज प्रेजेंट इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी परपेंडिकुलर द प्लेन ऑफ द रिंग इफ रेडियस आर वेरी जेजे फंक्शन ऑफ टाइम अब आपको देख रखा है रेडियस यहां पे टाइम के साथ बढ़ रही है आर इक्वल टू आर जीरो प्लस किधर बढ़ रही है डाउनवर्ड डायरेक्शन बढ़ रही है डाउनवर्ड डायरेक्शन बढ़ेगा तो यहां पे मैग्नेटिक फील्ड डाउनवर्ड डायरेक्शन बढ़ेगा तो लेंस लगो लग लेंस दो के अकॉर्डिंग क्या है कि इंड्यूस करेंट की डायरेक्शन कैसी होगी जो डाउनवर्ड डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड की ग्रोथ को रोके तो डाउनवर्ड डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड की ग्रोथ को रोकने के लिए क्या होगा इंड्यूस करंट चलेगी एंटीगोड डायरेक्शन में तो ये तो एक बात होगी आपकी एंटीग्वाय वामा और दिशाओ की और कितनी चलेगी इंड्यूस ईमएफ कितना आएगा इंड्यूस ई कितना होता है ई होता है डेल्टा फाइव अपॉन डेल्टा टी फाइव क्या होगा बी ए एरिया देखो पहले डी एरिया है यहाँ पे पाई आर स्क्वायर आर की जगह रखा आर जीरो प्लस टी का स्क्वायर यहाँ से डी ए अपॉन डी टी करेंगे तो क्या आएगा पाई इंटू टू इंटू आर जीरो प्लस टी ये आपका डी ए अपॉन डी टी आएगा इसको बी से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये ई एम ए बन जाएगा ई एम ए होता है बी डी अपॉन डी टी तो यहाँ पे क्या है कि आपके पास आ जाएगा टू पाई बी आर जीरो प्लस टी और एंटीक डायरेक्शन में ओके ये था क्वेश्चन नंबर नाइन अब आपको बात बताते हैं क्वेश्चन नंबर टेन के बारे में देखो यहां पे आपको दे रखा है एरो दिखा रखा है एंटीक्वाड डायरेक्शन में जिसके अकॉर्डिंग आपको रिजल्ट लिखना है अंदर क्या है कि जो लूप है उसके अंदर क्या है कि करंट जो, अंदर जो लूप है

देखो यहां पे क्या है डिक्रीज हो रहा है तो माइनस साइन लेंगे यहां पे क्या है ये डाउनवर्ड डायरेक्शन है और ये अपवर्ड डायरेक्शन है डाउनवर्ड वाला ज्यादा है एक से एक कैंसिल हो जाएगा ई इक्वल टू ए तो ही ही हमारे पर डी वी ए कितना अल्फा तो हमारा आंसर हो गया इक्वल टू माइनस अल्फा ओके अब आपको बताते हैं हम क्वेश्चन नंबर एलेवन को देखो क्वेश्चन में एलेवन में आपको दे रखा है ये कनेक्टर है इस पर टू ओम लगा हुआ है इस पर थ्री ओम लगा हुआ है ओके और कनेक्टिंग जो वायर है उसका खुद का रेजिस्टेंस भी गया है कि वन ओम है ओके और ये कांस्टेंट वेलोसिटी कनेक्टर ड्यूरिंग इट्स मोशन विद कांस्टेंट वेलोसिटी वन मीटर पर सेकंड तो जब वन मीटर पर सेकंड चलेगा ये देख सकते हैं यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पोर्टेंट डिफरेंस ये पोर्टेंट डिफरेंस सेम है तो ये दोनों ये वाला ये और ये दोनों किस में आ जाएंगे पैरल में इंड्यूस सीएमएम कितना जाएगा इसके अक्रॉस इसका नाम अगर मैं पी रखूं इसका नाम अगर क्यू रखूं तो यह इंड्यूस सीएमएम कितना जाएगा पी क्यू के अलग बी वी एल बी कितना दे है आपको वन मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी कितनी दे रखी वन मीटर पर सेकेंड बी कितना दिया आपको बी दिया आपको जीरो पॉइंट वन टेस्ट बी वी और एल टेन सेंटीमीटर मीन्स जीरो पॉइंट वन मीटर ये आ गया पॉइंट जीरो वन ये तो इंडियो सीम आ गया अब ये सर्किट डायग्राम इसका ऐसा होगा इसका रेजिस्टेंस बनाऊ में और ये आपके पास दोनों पैरेलल में थे टू इंटू थ्री कितना हो गया सिक्स सिक्स अपॉइन्ट फाइव मतलब वन पॉइंट अपॉन फाइव टू इंटू थ्री कितना हो गया फाइव वन पॉइंट टू तो करंट कितनी होगी यहाँ पे सर्किट में करंट आएगी ई एम एफ पॉइंट जीरो वन अपॉन आर वन प्लस सिक्स फाइव तो पॉइंट जीरो वन अपॉन टू पॉइंट टू वन पॉइंट टू प्लस वन टू पॉइंट टू हो गया इसे सोल्व करेंगे तो आ जाएगा वन अपॉन टू ट्वेंटी ये आपका आंसर है ओके अब आपके पास पैराग्राफ का क्वेश्चन है इस क्वेश्चन में आपको यहां पे बताना है कि यदि यहां पे क्या है कि तार में धारा तो तार चल रहा है इसमें धारा आईक्वल टू आई जीरो टी के अनुसार बदल रही है दोनों वर्गाकार लूपों को जोड़ने का भाग बहुत छोटा है तो यहाँ पे आपको पूछा है म्यूचुअल इंडक्टेंस कितना होगा इस पेयर का तो देखो यहाँ अपन बी निकाल सकते हैं किसी भी इनफाइनाइट वायर से गया कि एक डिस्टेंस पे फील्ड कितना होता है म्यू जीरो आई अपॉन टू पाई एक्स या म्यू जीरो आई अपॉन टू पाई आर ओके तो यहाँ भी अपन फील्ड निकाल सकते हैं यहाँ भी फील्ड निकाल सकते हैं एक डिस्टेंस पे ओके और लिमिट कहाँ से कहाँ डाल लेंगे अगर बी निकालना है तो लिमिट कहाँ से गएगी बी यहाँ पर गया कि ये एल है और ये एल प्लस है इसमें ये एल प्लस ए से एल ये एल प्लस ए से एल प्लस टू ए हो जाएगा ओके तो यहाँ पे क्या है कि एक्स डिस्टेंस पे क्या है कि फील्ड कितना होगा म्यूजी टू फाइ एस लिमिट डाल देंगे दोनों केस में हम आप पर क्या है कि बी आ जाएगा बी को एरिया से मल्टीप्लाई कर देंगे एरिया क्या होगा छोटी सी स्ट्रिप का एडीएक्स तो एरिया से मल्टीप्लाई कर देंगे फ्लक्स आ जाएगा एम इक्वल टू क्या होता है एम इक्वल टू होता है फाइ ए आई उससे हमें क्या है कि म्यूचुअल इंडक्टेंस मिल जाएगा ओके तो बिल्कुल सिंपल है तो देखिए आप पहले यहां पर अपने क्या है कि यहां पे एक स्ट्रिप ली पहले हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे एक स्ट्रिप ले रहे हैं डिस्टेंस में तो इसी तरीके से यहाँ पे अपन लेंगे दोनों की लिमिट डाल लेंगे सेपरेट सेपरेट सोल्व करेंगे इसका भी एक्स मानेंगे इसका भी एक्स मानो आप एक्स वन एक्स टू मान लो से कोई फर्क नहीं पड़ता ओके okay? तो देखो अलग अलग अगर सोल्व करेंगे तो यहां पे क्या आएगा हम आप फाइव का रिजल्ट कुछ ऐसा आएगा म्यू जीरो आई अपॉन टू पाई ए इंटीग्रेशन डी एक्स अपॉन एक्स एक में लिमिट डलेगी एल से ए प्लस एल एक में लिमिट डलेगी ए प्लस एल से टू ए प्लस एल तक इसे सोल्व करेंगे अगर आप तो आपके पास इक्वेशन आएगी म्यू जीरो आई ए अपॉन टू पाई एल एन टू ए प्लस एल अपॉन एल और एम क्या आ जाएगा एम आ जाएगा फाइव अपॉन ए जिसको सोल्व करेंगे तो आ जाएगा म्यू जीरो ए अपॉन टू पाई एल एन टू ए प्लस एल अपॉन एल ये आपके पास इक्वेशन आएंगी ये एक सेपरेट सेपरेट सोल्व किया इसको भी एक्स माना इसको भी एक्स माना उससे आपको कोई मतलब नहीं होना चाहिए ओके okay? देखो इसके लिमिट क्या डालेगी एल से एल प्लस ए इसके लिमिट क्या डालेगी एल प्लस ए से टू ए प्लस एल ओके दोनों को सोल्व कर देंगे तो फाइव आ जाएगा एम क्या होगा फाइव एपोन है तो एम की ये वाली वैल्यू आ जाएगी ओके okay. अब आपको निकालना है यहाँ पे देखो अब यहाँ पे पूछा हीट प्रोड्यूस हीट प्रोड्यूस कैसे निकालेंगे हीट प्रोड्यूस होगा पावर इन टाइम पावर क्या होगा ई e स्क् अपना ई e क्या होगा एम डी आई एपोनडिटी आपको आई दे रखा आई जीरो तो आपके पास क्या है कि एम की वैल्यू थी और डी आई एपोन्डी टी कितना हो जाएगा आपको आई जीरो तो सोल्व कर देंगे तो हीट प्रोड्यूस आ जाएगी पुरानी इक्वेशन में हीट डी आई अपॉन डी टी ये तो निकाल ही देंगे हम ये आई जीरो आ जाएगी और एज क्या होगा ही प्रोड्यूस ई स्क्वायर अपॉन आर इन टाइम से अब सोल्व कर देंगे आप ई e मैंने बताया था ई e को क्या लिखोगे एम डी आई ए पांडिटी ए में आप निकाल ही चुके हैं डी आई पॉन्डिटी की वैल्यू ये है ये सारी वैल्यू डाल दीजिए आपके पास आंसर आएगा ऐसा आंसर आएगा म्यू जीरो आई जीरो अपॉन टू पाई एल एन टू ए प्लस एल अपॉन एल होल स्क्वायर अपॉन एट लेमडा into 80 ये आपका आंसर आएगा लैम्डा आपको क्वेश्चन में डिफाइन है ओके okay? रेंज लिख दी आपने अब आपको बता रहे हैं क्वेश्चन नंबर 14 देखो यहां पे आपको दे रखा है ये पार्टिकल जो है इसको ओरिजिन से छोड़ा है फीजीरो स्पीड से इलेक्ट्रिक फील्ड जो वाई डायरेक्शन लगा है इसकी स्पीड बढ़ाएगा और मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स कितना लगेगा क्यू वी क्रॉस भी वी हमारे पास एक्स डायरेक्शन में और ये क्या है कि तो वाई जेड प्लेन के अंदर चलेगा तो वाई जेड तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं यहाँ पर ये सॉरी ये यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड किया है कि यहाँ पे वाई डायरेक्शन में और मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे वाई डायरेक्शन में पार्टिकल को छोड़ा है एक्स डायरेक्शन में तो एक्सजेड प्लेन में ये सर्कुलर मोशन परफॉर्म करेगा एग्जिट प्लेन में इसकी स्पीड में कोई चेंज नहीं होगा स्पीड में चेंज होगा वाई डायरेक्शन में क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लगा वाई डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड कभी स्पीड चेंज नहीं करता ओके okay? तो यहाँ पे क्या है कि मोशन का एक्जिट प्लेन में टाइम पीरियड कितना होगा टाइम पीरियड होगा टू पाई है उनको भी मान लो क्या है कि एन रिवोल्यूशन करता है तब जाके ये क्या है एन रिवोल्यूशन करता है मान लो ये तब आपको पूछा है यहाँ पर द कोऑर्डिनेट वाई एन ऑफ द पार्टिकल वन इट क्रोसेज द वाई एक्सिस मान लो एन रिवोल्यूशन में क्रॉस करता है तो देखो क्या होगा टाइम पीरियड कितना है इसकी मोशन का मान लो जब ये एन रेवल्यूशन करता है तब ये वाई एक्सिस को क्रॉस करता है इसका टाइम पीरियड कितना है टाइम पीरियड है टू पाई एम अपन क्यू बी ये इसका टाइम पीरियड है अगर एन रेवल्यूशन में क्रॉस करता है तो टाइम कितना लग गया डेल्टा टीवल टू टीवल टू एन टी तो टू पाई एम एन अपॉन क्यू बी ये इसका टाइम है वाई एक्सिस को क्रॉस करने का वाई डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कितना होगा वाई डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट होगा हाफ ए टी स्क्र वाई में कोई वेलोसिटी नहीं थी एक्सलेशन कितना होगा क्यू ई अपॉन एम और टाइम कितना है वो जो आपको दिया हुआ है टू पाई एम एन अपॉन क्यू बी होली स्क्वायर इसको सोल्व करेंगे तो वाई डायरेक्शन में क्या है कि आपको टाइम वो आ जाएगा जहाँ पे क्रॉस कर रहा है ओके okay? अब आपको पूछा है कि एंगल अल्फा बिटवीन द पार्टिकल्स इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर एंड वाई एक्सिस एट दैट मोमेंट देखो वाई डायरेक्शन में इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी वाई डायरेक्शन में इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी वाई इक्वल टू यू वाई तो जीरो था एक्सलेशन कितना होगा फोर्स मास इनटू टाइम टाइम अभी time आपको बताया था एन टी जो था जो लगा था टाइम वो रख देंगे यहां पे तो वी वाई आ जाएगा तो वी वाई की वैल्यू आपको पता है ये कितना हो गया आपके पास क्यू अपॉन एम टू पाई एम एन अपॉन क्यू बी ये हम आप वी वाई है सोल्व तो ये आया टू पाई एन ई अपॉन बी और तो टेन एल्फा ये हैं तो टेन एल्फा क्या बनेगा वी जीरो अपॉन वी वाई तो सोल्व करेंगे तो ये बनेगा वी जीरो बी अपॉन टू पाई एन ई जिसको सोल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा ओके okay? अब आपको बता रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे आपको कंडक्टिंग रोड ए बता रखी है जिसकी लेंथ है फोर एल जिसको रोटेट किया है अबाउट पॉइंट ओ इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टेड इन टू द पेपर एक्वल टू एल है ओ सी इक्वल टू थ्री एल है अब यहाँ पे देखो हमारे पास क्या है कि रोटेटिंग रोड में क्या है ई कि, मे कितना होता है बी ओमेगा एल स्क्वायर अपॉइंट टू तो ये देखो ये यू घूमेगा तो ये पॉइंट किधर घूमेगा देखो इस पॉइंट पे क्या है कि इधर घूमेगा तो यहाँ पे वी और ये बी ये यू चल रहे हैं तो ये पॉइंट की वेलोसिटी इधर आएगी इस पॉइंट की वेलोसिटी इधर आएगी ओके तो वी और बी तो ये ओ पॉइंट हाई पोटेंशियल पर होगा यदि ओ पॉइंट हाई पोटेंशियल पर तो हमारी इक्वेशन क्या बनेगी वी ओ माइनस वी इक्वल टू क्या बनेगा बी ओमेगा एल स्क्वायर टू और इधर क्या बनेगा वी ओ माइनस वी सी ये बनेगा बी ओमेगा थ्री एल स्क्वायर अपॉन टू इनको सोल्व कर देंगे तो हमें क्या है कि आंसर आ जाएगा वी, वी ए माइनस वी सी ओके फोर बी ओमेगा एल स्क्वायर सब कर देंगे तो हमें वी ए माइनस वी सी मिल जाएगा ये तो हमारा क्या है कि इसका सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर वन का अब देखिए क्वेश्चन नंबर टू इन द एलआर सर्किट शोन इन द फिगर पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रेजिस्टेंस एट सम इंस्टेंट इज फोर वोल्ट देन तो क्या होगा देखो यहां पे क्या है कि आपको क्या है कि रेजिस्टेंस एट द सम इंस्टेंट इज फोर वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रेजिस्टेंस ये चार वोल्ट दे रखा यहां पर इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस आपको पोटेंशियल डिफरेंस दे रखा है फोर वोल्ट तो आप यहाँ से करंट निकाल सकते हैं कैसे फोर इक्वल टू फोर वोल्ट वोल्ट इक्वल टू आई इन टू रेजिस्टेंस तो करंट कितनी आ गई आपके पास वन एम ये तो सर्किट में जाने वाली करंट है अब बैटरी के द्वारा क्या है कि यहाँ से पावर डिलीवर कितनी होगी वर्क डन में बैटरी पोटेंट डिफरेंस इन टू करेंट सप्लाइड ट्वेंटी वाट ये बैटरी के द्वारा यहाँ पे क्या है कि डन है ओके अब इस डन के अंदर क्या है कि यहाँ पर आपको क्या पूछा है पावर सप्लाई पावर सप्लाई था हमारा करंट टू वोल्टेज वर्क डन सॉरी वर्क डन पर यूनिट टाइम नहीं ये पावर पावर सप्लाईड बाय बैटरी कितना करंट वोल्टेज कितना है 20 वोल्ट अब पावर सप्लाई पर बैटरी आ गई पावर स्टोर्ड इन द मैग्नेटिक फील्ड दिस इंस्टेंट रेजिस्टेंस में कितनी पावर स्टोर होगी e4 r यहां पे कितना है यहां पर 4 वोल्ट 16 4 चार वाट यहां पे टोटल कितनी थी बीस वाट तो सोलह वाट वहां पे कंज्यूम होगी करंट इन सर्किट कितना है ओके वन एम्पियर अब आपको बताते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर थ्री देखो इन फिगर आर इज ए फिक्स कंडक्टिंग रिंग ऑफ नेग्लिजिबल रेजिस्टेंस एंड रेडियस ए पी क्यू इज यूनिफॉर्म रोड ऑफ रेजिस्टेंस स्मॉल स्मोल इट इज इंज एट द सेंटर ऑफ द रिंग एंड रोटेटेड अबाउट दिस पॉइंट इन क्लोकवाइज डायरेक्शन विद ए यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा देर इज ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ स्ट्रेंथ बी पॉइंटिंग इनवर्ड एंड आर इज स्टेशनरी रेजिस्टेंस अभी जो क्वेश्चन कराया था बिल्कुल वैसा के वैसा यहाँ पे करना है अगर इस पॉइंट का नाम आप ओ डाल देते हैं देखो ये वाला पॉइंट इधर चलेगा ये पॉइंट इधर चलेगा तो यहां पे क्या होगा बी नीचे लगा हुआ है तो V क्रॉस B जब करोगे V क्रॉस B ओके देखो ये V और ये B. V क्रॉस B करोगे तो आपको क्या है कि बैटरी के सिंबल आ जाएंगे ओके okay? ये V और ये बी तो ये क्यू क्या होगा हाई पोटेंशियल पे, पी भी क्या होगा हाई पोटेंशियल आपकी बैटरी ऐसी बन जाएगी ऐसी बैटरी आपकी बनेगी ये रेजिस्टेंस कितना है यहाँ पे आर बाई टू ये ओ पॉइंट दे दिया इसका नाम इधर भी कितना है ये भी आर बाई टू और ये हमारा आर और ये हमारा सर्किट ये बैटरी कितनी ये में एप की होगी बी ओमेगा ए स्क्वायर टू ये भी कितनी होगी बी ओमेगा मेगा ए स्क्वायर पॉइंट टू ये पूरा सर्किट इसका नाम अगर पी रख दें इसका नाम अगर क्यू रख दें तो सर्किट कैसा बन गया ये सर्किट ऐसा हो गया तो देखो पोटेंट डिफरेंस पैरेलल में सेम होता है आर बाई टू आर बाई टू का रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा आर बाई फोर तो आपके पास सर्किट में क्या है करंट कितनी आएगी बी ओमेगा ए स्क्वायर अपन टू आर प्लस आर बाई फोर तो ये आपके पास क्या है कि आंसर आ जाएगा क्वेश्चन नंबर सेकेंड आंसर आ जाएगा और डायरेक्शन तो करंट की आ ही जाएगी सरकमफ्रेंस से सेंटर ओके देखिए यहाँ पे आपको क्या है कि क्वेश्चन फोर में दिया है, एक कंडक्टिंग रोड है जिसकी लेंथ एल है जो ओ पॉइंट के अबाउट हिंज हो रही है रोटेट हो रही है वर्टिकल प्लेन में मैग्नेटिक फील्ड लगा हुआ है यहाँ पर डायरेक्शन में अब रोड को रिलीज हैं तो पोटेंट डिफरेंस बिटवीन द टू एंड ऑफ द रोड इज प्रपोशनल टू यहाँ पे किया है कि इंड्यूस एम यहां पे इंड्यूस ई की वैल्यू आएगी रोटेटिंग रोड के लिए बी ओमेगा एल स्क्वायर अपॉन टू अब यदि रोड थीटा एंगल से चली जाती है तो देखिए ये इसका एल बाई टू सेंट्रो मास के लिए अगर लिखूं ये एल बाई टू तो ये कितना है एल बाई टू कोस थीटा ये कितना है एल बाई टू साइन थीटा तो थीटा एंगल के लिए मैं इक्वेशन लिखूं तो लोसिन पोटेंशियम जीवल टू गेन कैंटेग जी एम जी एल बाई टू साइन थीटा ये तो लोस हुआ पोटेंशियल एनर्जी का इक्वल टू गेन इन कैटेगरी हाफ आई एम एल स्क्वायर अपॉन थ्री इंटू ओमेगा स्क्वायर तो यहां से अगर आप सोल्व करेंगे तो आपको ओमेगा स्क्वायर क्या रहा आ रहा है देखो ओमेगा स्क्वायर प्रपोजनल आ रहा है यहां पे साइन थीटा एल से एल कट जाएगा ओमेगा स्क्वायर आ रहा है साइन थीटा अपॉन एल के प्रपोशनल आ रहा है तो ओमेगा किसके प्रपोजनल आया अंडर रूट साइन थीटा अपॉन एल के अब आप कहेंगे इस ओमेगा की वैल्यू यदि यहां पे डाल दें तो आपके ई एम एफ किसके प्रोपोर्शनल रहा ई e प्रोपोर्शनल था ओमेगा इंटू एल स्क्वायर के ओमेगा किसके प्रोपोर्शनल था यहाँ पे साइन थीटा अपॉन एल के ये है एल स्क्वायर तो अंदर आ जाएगा तो एल की पावर फोर हो जाएगा तो देखो ई e किसके प्रोपोर्शनल हो गया अंडरवुड साइन थीटा के ई e किसके प्रोपोर्शनल हो गया एल पावर थ्री बाई टू के ओके तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन हो गया प्रोपोर्शनल साइन थीटा और प्रोपोर्शनल हो गया एल की पावर थ्री बाई टू के ओके ये हमारे आंसर्स हो गए क्वेश्चन ऑफ फाइव देखिए ए रेसिस्टेंस आर ओम एंड कैपेसिटर सी इज कनेक्टेड विद ए मेटल वायर टू फॉर्म ए लूप एंड दिस इज प्लेस्ड इन ए मैग्नेटिक फील्ड दैट पॉइंट्स वर्टिकली इनटू द लूप एंड इज डिक्रीजिंग एट ए कॉन्स्टेंटेड डी बी अपन डी टी इक्वल टू माइनस के डिक्रीज हो रहा है सबसे इम्पोर्टेंट बात यह लेंस लो के अकॉर्डिंग अगर डिक्रीज हो रहा है मैग्नेटिक फील्ड तो इंड्यूस करेंट ऐसे चलेगी जो डाउनवर्ड डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड की ग्रोथ को बनाए तो कैसे चलेगी करेंट या करेंट चलेगी यहाँ पे क्लॉक डायरेक्शन में ओके okay? बस आपको करेंगे डायरेक्शन पता चल गई सारा काम आपका हो गया है कैपेसिटर की प्लेट क्या हो जाएगी पॉजिटिव ये हो जाएगी नेगेटिव ई क्या होता है इंड्यूस सी होता है ए डी बी अपॉन डी एरिया कितना है यहाँ पे पाई ए स्क्वायर डी बी अपॉन डी क्या दे रखा है के तो ये तो इंड्यूस सी आ जाएगा ओके okay? क्यू कितना आएगा क्यू आएगा सी इन ई ये भी आपका हो गया नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ए कंडक्टिंग रोड ऑफ लेंथ एल इज मूड एट कॉन्स्टेंट वेलोसिटी वी जीरो देखो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कॉन्स्टेंट वेलोसिटीज चल रही है कॉन्स्टेंट वेलोसिटीज तभी चलेगी जब यहां पे क्या है? नेट फोर्स जीरो होगा मतलब क्या है कि मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स कितना होता है आई उतना ही यहाँ पे एक्सटर्नल फोर्स लग रहा होगा तब जाके ये कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रही होगी ओके okay? तो जब कॉन्स्टेंट वेलोसिटी चल रही है तो देखिए यहां पे क्या होगा फोर्स कितना है आईएलबी और करंट कितनी यहां पे बी वी जीरो एल अपॉन आर देखो इस समय सर्किट में करंट कितनी है सर्किट में करंट आ रही है कंडक्टिंग रोड ऑफ लेंथ मूड एडेंटिटी टू पेल कंडक्टिंग स्मूथ फिक्स रेल, विच आर प्लेस इन यूनिफॉर्म कॉन्स्टेंट प्लेन ऑफ ए रेस्टेंस आर इज कनेक्टेड बिटवीन दूंस विच ऑफ द फॉलो इज आर करेक्ट द थर्मल पावर डिसिपेटेड ओके तो देखिए अगर ये यू चलेगी तो ये एंड पॉजिटिव टर्मिनल हो जाएगा ये नेगेटिव चलेगा बैटरी ऐसे बनेगी तो ये ऐसा हो जाएगा ओके okay, तो देखिए यहाँ करंट कितनी हो गई करंट आ गई यहाँ पर बी वी जीरोल अपन आर ये करेंट है अब यहाँ पर थर्मल पावर क्या होगी पाई आई स्क्वार आर वैल्यू रख सकते हैं आई स्क्वायर की तो सोल्व करेंगे तो पता है कितनी आएगी है? बी स्क्वायर वी जीरो स्क्वायर एल स्क्वायर अपॉन आर ये थर्मल पावर है इस थर्मल पावर के अलावा क्या यहाँ पे देखो थर्मल पावर डिसीपन इंद्राइस इक्वल टू तो रेट ऑफ वर्क डन बाय एक्सटर्नल पावर एक्सटर्नल एक्सटर्नल फोर्स का वर्क डन कितना होगा पावर और आएगी फोर्स इनटू वेलोसिटी इसको डालेंगे तो ये सेम चीज़ यही आएगी तो पहला ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया अब आपको बोल रहा है इफ अप्लाइड एक्सटर्नल फोर्स इज डबल्ड अगर एक्सटर्नल फोर्स डबल करोगे तो ये नेट फोर्स आ जाएगा इसमें नेट फोर्स आ जाएगा तो रोड एक्सेलरेट हो जाएगी एसेरेट होगी तो इक्वेशन क्या बनेगी आई एल बी इक्वल टू एम ए को क्या लिख दोगे डी वी अपॉन डी टी तो यहां से एसेलरेशन क्या आएगा एसेलरेशन आएगा आई एल बी अपॉन एम जिसको लिखा हमने डी वी अपन डी टी और आई को क्या लिख देंगे अपन आई की इक्वेशन यही ही हमारे पास तो यहां से हमारी इक्वेशन बनी देखो बी वी एल एल बी अपॉन आर एम इक्वल टू डी वी अपॉन डी टी ये हमारी इक्वेशन बनी है यहां से डी वी अपॉन वी निकालेंगे तो क्या बनेगा बी स्क्वायर एल स्क्वायर अपॉन एम आर डी टी इंटिकेशन कर देंगे ये एल एन वी बन जाएगा तो वी की इक्वेशन क्या बनेगी वी की इक्वेशन बनेगी वी ज़ीरो ई की पावर बी स्क्वायर एल स्क्वायर अपॉन एम आर डी तो यहाँ वेलोसिटी आप देख रहे हैं इंक्रीज होती जाएगी ओके और लेंज लो तो सेटिस्फाई से हमेशा होता है रेजिस्टेंस इज डबल तो देखो इसके बाद क्या होगा अगर इसे डबल कर दोगे तो पावर कितनी हो जाएगी आई एल बी इंटू वी पावर क्या होता है फोर्थ इंटू वेलोसिटी तो अब क्या है कि करंट कितनी होगी पी वी जीरो एल अपॉन टू आर इंटू एल बी वी जीरो सोल्व करेंगे तो ये आएगा बी स्क्वायर वी जीरो स्क्वायर एल स्क्वायर अपॉन टू आर जिसको देखोगे तो यह आएगा पी 2, टू okay? ओके तो केस क्लियर हो गई पूरे देन पावर रिक्वायर्ड टू मेंटेन कांस्टेंट दिलोसिटी वी जीरो ओके? तो पॉइंट क्लियर हो गया आपको अब नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर सेवन टू मेटालिक रिंग्स ए एंड बी आइडेंटिकल इन शेप एंड साइज बट हैविंग डिफरेंट एक्स्टिविटीज रो एंड रो बी आर केप

देखो यहां पे आपको क्या दे रखा है एच ए से ज्यादा है ये क्वेश्चन में आपको दे रखा है क्वेश्चन में आपको ये बात दे रखी है कि एच ए से ज्यादा है तो ये कन्फर्म है एच क्या होता है वी स्क्वायर पॉइंट टू जी इसका मतलब वेलोसिटी ज्यादा होगी फर्स्ट केस में इसका मतलब क्या है कि यहां पे करंट ज्यादा होगी ओके okay? करंट ज़्यादा कब होगी जब रेजस्टिविटी कम होगी तो हमारा आंसर हो गया मास से तो कोई रिलेशन नहीं है रेजस्टिविटी कम होगी तभी हमारी कहेगी वो डिस्क ए ज़्यादा हाइट पे पहुंचेगी ओके okay, तो हमारा आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर टू एंड क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर टू एंड ऑप्शन नंबर फोर नेक्स्ट देखिए आप क्वेश्चन नंबर एट देखिए ए हॉरिजॉन्टल प्लेटफॉर्म विद मास प्लेस इट इज एक्जीग्यूटिंग एस एच एम अलॉंगाई एक्स एच इफ एम्प्लेशन इज ऑसिलेशन इज 2.5 सेंटीमीटर एंड मास जस्ट लीव्स द प्लेटफॉर्म एट हाईएस्ट पॉइंट अगर यह क्या हाईएस्ट पॉइंट पे छोड़ता है याद रखना लिफ्ट वगैरह में नीचे छोड़ता है यहां पे क्या कि, और एस एच एम के अंदर है कि ऊपर छोड़ता है क्योंकि एस एच एम के अंदर क्या है कि, एल रसिंग डायरेक्शन सेंटर है तो सूट ऑफ फोर्स लगता है ऊपर ओके okay, तो देखो यहां पे जब ये हाईएस्ट पॉइंट पे गया तो इक्वेशन क्या बनी देखो जब ये हाईएस्ट पॉइंट पे गया ये नॉर्मल रिएक्शन ये यहाँ पे एम ओमेगा स्क्वायर ए फोर्स सुडो फोर्स और ये एम जी तो हमारी इक्वेशन क्या है एन प्लस एम ओमेगा स्क्वायर ए इक्वल टू एम जी कॉन्टेक्ट कब छोड़ेगा जब एन जी रोगा तो हमारे पे ओमेगा आ गया यहाँ से एम से एम कैंसिल हो जाएगा ओमेगा कितना हो जाएगा जी अपॉन ए का अंडर रूट सोल्व करेंगे ना तो यहाँ से क्या है कि ओमेगा की वैल्यू आएगी ट्वेंटी टाइम पीरियड क्या होता है टू पाई अपॉन ओमेगा वैल्यू डालेंगे ना तो आएगा आंसर पाई अपॉन टेन ओके ये था हमारा क्या है कि टाइम पीरियड का आंसर ओके okay? अब आपको बताते हैं क्वेश्चन नंबर नाइन ये वापस क्या है कि पुरानी वाली सिचुएशन आ गई है हमारे पास एल सी आर सर्किट दे रखा है एस वन एस टू विच कैन शॉर्ट सर्किट इंडक्टर कैपेसिटर चूज द करेक्ट ऑप्शन जबकि आपको पता है जब यहाँ पे एल सी ओसिलेशन होते हैं तो एस एच एम के अंदर एनर्जी का होती है मैक्म एनर्जी के टाइम क्या है। कोस थीटा साइन थीटा का जो फंक्शन उनकी वैल्यू वन हो जाती है तो क्या है करंट की वैल्यू कितनी आएगी सर्किट कि में वी मैक्सिमम ऑन आर करंट आ जाएगी और एनर्जी स्टोर कितनी होती है हाफ एल आई स्क्वायर करंट तो कितनी वी मैक्सिमम बना तो एनर्जी स्टोर क्या होती है हाफ देखो तो एनर्जी स्टोर कितने लिखेंगे अपन हाफ एल आई स्क्वायर आई की मैक्सिमम वैल्यू कितनी मैक्सिमम मैक्सिम आर ये हमारा आंसर हो जाएगा तो जितनी एनर्जी यहाँ पे कैपेसिटर में स्टोर होगी उतनी एनर्जी यहाँ पे इंडक्टर में स्टोर होगी ओके okay? क्योंकि मैक्सिमम एनर्जी हमेशा कांस्टेंट होती है नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपको दे रखा है द यू ऑफ ए बॉडी ऑफ यूनिट मास मूविंग इन वन डायमेंशन कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड इज यूक्सर माइनस फोर एक्स प्लस थ्री अब आपको पूछा कि कब एस एच एम करेगी एस एच एम करेगी और सिलेक्ट्री मोशन करेगी एस एच एम कंडीशन होती है एफ इक्वल टू माइनस के एक्स वी मैक्सीम होता है मेन पोजीन पे ओमेगा तो देखो टाइम होता है टू पाई वन ओमेगा तो यू दे रखा है आपको कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड का तो हमारी इक्वेशन क्या होती है एफ इक्वल टू होता है माइनस डी ओ पी एक्स कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड में तो जब करोगे माइनस डी ओ पी एक्स तो ये कितना हो गया टू एक्स माइनस फोर एफ को जीरो करोगे तो क्या बनेगा एक्स इक्वल टू टू ये वो पोजीशन है मेन पोजीशन जिसके अब ये एस एच एम होगी ओके okay? यहाँ पे क्या है कि के कितना है टू के क्या होता है एस एच एम कॉन्स्टेंट एम ओमेगा स्क्वायर एम की वैल्यू कितनी देर की यहाँ पे वन ओमेगा स्क्वायर तो यहाँ से ओमेगा आ गया आपका अंडर टू ओमेगा अगर आपको अंडर रूट टू आ गया तो टाइम पीरियड कितना होता है टू पाई ओपन ओमेगा तो टाइम पीरियड आ गया आपका पाई रूट टू सेकेंड वी मैक्सिमम क्या होता है ए ओमेगा कितना था रूट टू मैक्सिमम एलोसिटी कितनी देर की आपको फोर तो इंप्लूड कितना आ जाएगा टू रूट टू मीटर ओके अब आपको बात बताते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में देखो यहां पर वन एंड ऑफ ए एरिजिन ट्रेक ऑफ गाजेल एंड नेग्लिजिबल इज कनेक्टेड टू ए कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस सी चार्ज टू ए वोल्टेज वी वी जीरो तो मैक्सिमम चार्ज कितना है सी वी जीरो ओके जब चार्ज मैक्सिमम है तो रोड की वेलोसिटी मिनिमम होगी जब चार्ज मिनिमम है तो वेलोसिटी यहाँ पे मैक्सिमम होगी ओके okay? क्योंकि वेलोसिटी मैक्सिमम तो करंट मैक्सिमम करंट मैक्सिमम तो चार्ज मिनिमम ओके और फोर्स कितना लगेगा उस पर आई एल भी आई क्या होता है डी की अपॉन डी टी उससे अपन क्या है कि सारा क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं आराम से आपको पूछा है जब स्विच को चालू करते हैं तो छड़ से प्रतिकर्षित होती तो है और व्हाट इज़ द मैक्सिमम वेलोसिटी आपको पूछा है तो देखो करंट कितनी है यहाँ पे जब एट द इंस्टेंट वेन द कैपेसिटी कनेक्टेड आई करंट करंट कितना था वी जीरो पन आर फोर्स कितना है बी आई एल एक्सलेशन कितना हो गया आपके पास इक्वेशन में एसेलरेशन आया बी एल बीवीएल फोर्स एसेलरेशन होता है फोर्स अपॉन मास इनिशियल एसेलरेशन ऑफ द रोड ओके फोर्स कितना है आपके पास बी आई एल और करंट कितना है वी जीरो करंट कितनी है वी जीरो अपोन आर ओके ये वी जीरो डिफरेंस ओके और बी एल वी वी मैक्म एन एम एफ है जो कितना है क्यू मिनिमम अपोन सी यहां से क्यू मिनिमम निकल जाएगा क्यू मिनिमम कितना होगा बी एल वी मैक्सिमम इन सी ओके अब आपका फोर्थ की इक्वेशन क्या है आई एल बी फोर्थ को क्या लिखोगे एम ए इक्वल टू एम डी वी अपन डी टी देखो एम डी वी अपन डी टी इक्वल लिखोगे आई एल बी और आई को क्या लिख देंगे डी क्यू ओपन डी टी अब आप लिमिट डाल दोगे और क्वेश्चन को सोल्व कर दोगे कैसे देखो आई को लिख दिया अपने डी क्यू अपन डी टी डी टी डी टी कट गया ये हो गया एम डी वी तो यहां से एम डी वी इक्वल टू क्या बचा डी क्यू एल बी बस अब आपको क्या है कि वैल्यू डालनी है एम इंटीग्रेशन कर दो डी और इधर भी इंटीग्रेशन कर दो सी वी जीरो जब चार्ज मैक्सिमम है तो वेलोसिटी जीरो थी चार्ज जब मिनिमम है क्यू मिनिमम तो वेलोसिटी मैक्सिमम है वी मैक्सिमम इसको सोल्व करोगे आप तो लिमिट आएगी आपके पास सोल्व करोगे ना तो एम वी मैक्सिमम इक्वल टू आएगा बी एल क्यू मिनिमम माइनस सी वी जीरो जिसको सोल्व करोगे इक्वेशन को तो वी मैक्सिमम की वैल्यू आपको मिलेगी वी मैक्सीम मिलेगा बी एल सी वी जीरो डिवाइडेड बाई एम प्लस बी स्क्वायर एल स्क्वायर सी ये आपको मिलेगा और ये वैल्यू डाल दीजिए आपको क्वेश्चन सब दे रखा है आंसर आएगा इसका वन ओके okay? जिस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड के क्वेश्चन होते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या कि सेंटर पे क्या है इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी कितनी होती है टू के लेमडा पोनार यहां भी है कि, हम है कि ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी लिख सकते हैं और फोर्स क्या होता है मास इंटू इंटेंसिटी तो देखो सेंटर पे ग्रेविटेशनल फ इंटेंसिटी क्या लिखा टू जी लेमडा अपोनार लेमडा क्या है यहाँ पे परमिट मास तो टू जी अपॉन आर और लेमडा को रखा एम अपॉन पाई आर तो ये इंटेंसिटी का फॉर्मूला बना टू जी एम अपॉन पाईआर स्क्वायर ये इंटेंसिटी का फॉर्मूला बना फोर्स क्या होगा फोर्स होगा मास इनटू इंटेंसिटी तो कितना हो जाएगा टू जी एम स्क्वायर अपॉन पाईआर स्क्वायर इसको सोल्व करोगे तो हमारे पास एन की वैल्यू आ जाएगी टू ओके आपको दे रखा है पीस ऑफ वायर कैरिंग ए करंट ऑफ सिक्स एमपियर इज बेंड इन द फॉर्म ऑफ सर्कुलर रेडियस टेन सेंटीमीटर एंड इट इज इट सब्टेंस एन एंगल ऑफ वन ट्वेंटी डिग्री एट द सेंटर इफ द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू दिस पीस ऑफ वायर एट द सेंटर इज पॉइंट सिक्सटी थ्री वाई इन टू टेन माइनस फाइव था देन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ आई कोई भी कहेगी सर्कुलर करंट कैरिंग कहेगी वायर होता है उसके सेंटर पर कहेगी कि फील्ड कितना होता है उसके सेंटर पर फील्ड कितना होता है म्यू नोट ओपन फोर पाई आई फाई एपन आर एंगल कितना बन रहा है वन ट्वेंटी डिग्री वन ट्वेंटी डिग्री कितना होता है टू पाई अपॉन थ्री तो देखो फील्ड कितना होता है म्यूनोड अपॉन फोर पाई जिसकी वैल्यू होती है टेन -7 माइनस सेवन वेबर अपॉन एमपेर मीटर आई फाइव अपॉन आर सब कुछ दिया हुआ है आपको करंट चल रही है सिक्स एम्पियर मान लो ये करंट है और रेडियस दे रखी है टेन सेंटीमीटर जीरो पॉइंट वन मीटर और मैग्नेटिक फील्ड दे रखा है जीरो पॉइंट सिक्सटी थ्री बाई इंटू टेन की पावर माइनस फाइव म्यू जीरो फोर पे होता टेन की पावर माइनस सेवन करंट चल रही है सिक्स एम्पियर फाइव ये टू पाई ये पॉइंट थ्री रेडियस थी आपकी जीरो पॉइंट वन सेंटीमीटर यहाँ से सोल्व करेंगे तो वाई की वैल्यू हमें मिल जाएगी ओके okay? सोल्व करेंगे ना तो वाई की वैल्यू हमें मिलेगी टू नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ ए सिलेंड्रिकल मैगनेट देट है ये पोल फेस रेडियस टू पॉइंट एट सेंटीमीटर कैन बी वेरिड साइनस उडली बिटवीन द मिनिम वैल्यू ऑफ सिक्सटीन पॉइंट एट टेस्ला एंड द मैक्म वैल्यू सेवनटीन पॉइंट तो मैग्नेटिक फील्ड जो है उसका इंप्लूड कितना आएगा देखो यहाँ पे क्या है कि वैल्यू चेंज हो रही है यहाँ पे 16.8 पॉइंट से 17.2 टेस्ला पॉइंट तो यहाँ पे मैग्नेटिक सेवनटीन पॉइंट टू माइनस मतलब पॉइंट तो रेंज कितनी हो जाएगी इसकी मैग्नेटिक फील्ड का एम्पलीट्यूड हो जाएगा जीरो पॉइंट टू पॉइंट फोर डिवाइड बाई टू तो जीरो पॉइंट टू एट ए रेडियल डिस्टेंस ऑफ टू सेंटीमीटर मैग्नेटिक फील्ड कैसे चल रहा है साइनस तो बी इक्वल टू अगर आपने माना बी जीरो साइन ओमेगा टी तो डी वी अपन डी टी कितना आएगा यहाँ से बी जीरो ओमेगा कोस ओमेगा टी एम्प्ल्यूड कितना आएगा डी वी अपन डी टी का ये आएगा बी जीरो ओमेगा बी जीरो कितना है जीरो पॉइंट टू और ओमेगा कितना दिया आपको ओमेगा दे रखा आपको टू पाई इंटू फिफ्टी अपॉन पाई पाई कैंसिल हंड्रेड हो गया तो ये ट्वेंटी हो गया तो डी बी अपन डी टी की वैल्यू आ रही है आपका ट्वेंटी अब आपको पूछा है फाइन दूड इंड इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता e है इक्वल टू था आर बाई टू डी बी अपन डी टी आर कितना दे रेखा टू सेंटीमीटर अपॉन टू सेंटीमीटर को चेंज कर दिया मीटर में डीबीएफ डी टी सोल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा ये वन हो गया ट्वेंटी इंटू टेन पर माइनस टू हो गया ओके okay? तो सोल्व करेंगे तो हमारा क्या है कि आंसर आ जाएगा उसका मिली, मिली न्यूटन अपन गुलाम में जो दे रखा है कन्वर्जन करने से टू आंसर मिलेगा अपन को ओके नेक्स्ट देखो ए सोलड टू थाउजेंड लेंथ ऑफ थ्री मीटर यहां से हमको मिल जाएंगे नंबर ऑफ पर यूनिट लेंथ द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दे रखा है अराउंड इट्स सेंट्रल सेक्शन ए कोइल ऑफ तीन सौ टन दे रखे हैं आपको इनिशियल करंट ऑफ टू एम्पियर इज रिवर्स तो डेल्टा आई अपॉन डेल्टा टी आपको मालूम है यहाँ पर फोर अपॉन पॉइंट ट्वेंटी फाइव ये सोलह आ जाएगा अब आपको पूछा है फाइंड द ईएमएफ इंड्यूस ये होता है डेल्टा फाइव अपॉन डेल्टा टी बी कितना होता है म्यू जीरो ना आई तो डी बी अपॉन डी टी कितना हो जाएगा म्यू जीरो एन डी आई एपोन डी टी डी आई डी टी आपके पास है एन की वैल्यू आपके पास है म्यू जीरो कितना होता है फोर पाई इंटू टेन की पावर माइनस सेवन और साथ में क्या है कि आपको ये डी बी एपोन डी टी रख दिया ए से मल्टीप्लाई करो ये जो नंबर ऑफ टर्न है उससे मल्टीप्लाई करो ये आपके पास इंड्यूसी एम आ जाएगा ओके ए एंड बी ए टी, जिसको सारा सोल्व करोगे ना तो आपको आंसर मिल जाएगा ओके आंसर आ जाएगा आपका जो निकालना है आपको फोर्टी एट आ जाएगा कन्वर्ट करने के बाद क्वेश्चन नंबर सिक्स देखिए इन द सर्किट शोन इन फिगर चार्ज क्यू वेरीज विद टाइम टी एच क्यू इक्वल टू टी स्क्वायर माइनस फोर वेर क्यू इज इन कूलम एंड टाइम टी इज इन सेकंड फाइन एंड वी ए बी एट टाइम इक्वल टू थ्री सेकंड। अब देखिए टी इक्वल टू थ्री सेकंड पे देखना है आपको तो सबसे पहले देखिए क्यू दे रखा है आपको टी स्क्वायर माइनस फोर तो टी इक्वल टू थ्री क्या क्या मिल रहा है आपको एक तो क्यू कितना मिल रहा है नाइन माइनस फोर पाँच दूसरा यहां से करंट डी क्यू ऑपोन डी टी इक्वल टू t टू टी इक्वल टू आया सिक्स एम्पेयर ये टी इक्वल टू थ्री सेकेंड पाया अब यहाँ से अपन के वी एल लगा देंगे सब कुछ पता चल गया वी ए माइनस क्यू ओपन सी माइनस एल डी आई ए पी टी माइनस आई आर इक्वल टू वी बी आपके पास आई है आपके पास आर है आपका डी आई एप है, है। कहाँ से आएगा डी आई टी आएगा टू ओके okay? सब है आपके पास ये सारी वैल्यू आप डाल दोगे तो आपको वीए माइनस मिलेगा एट ओके okay? भी दे है आपको सब कुछ मालूम है क्वेश्चन नंबर सेवन देखिए यहां आपको दो सोल एट दे रखिए और बी आर प्लेस नियर टू इच अदर को एक नंबर ऑफ टन इन ए इज फोर हंड्रेड एंड नंबर ऑफ टन इन बी देखो ए में नंबर ऑफ टर्न दे रखे आपको 400, बी में नंबर ऑफ टर्न दे रखे आपको 700, ए में चल रही है थ्री पॉइंट फाइव एवरेज फ्लक्स 300 हंड्रेड एंड ए फ्लक्स ऑफ 900 हंड्रेड 90 नाइनटी

तो यहाँ से एम की वैल्यू मिल जाएगी हमें सोल्व करेंगे ना तो हमें एम की वैल्यू आ जाएगी एम की वैल्यू मिलेगी आपको एटीन इंटू टेन की पावर माइनस थ्री अब ई e बी क्या लिखोगे आप एम डी आई अपॉन डी टी एम आपके पास है एटीन मिली में ही आंसर है तो वन अपॉन्ट टू इसका हो जाएगा नाइन तो आपका नाइन मिली, मिली बोर्ड तो आंसर आपका हो जाएगा नाइन ओके okay? क्वेश्चन नंबर एट देखिए यहां पे आपको स्प्रिंग सिस्टम दे रखा है अगर इसमें इलोंगेशन हम एक्स वन माने इसमें अगर एक्स टू माने इसमें अगर एक्स थ्री माने इसमें अगर एक्स फोर माने और इसको अगर एक्स माने, एक माने, एक माने तो पता क्या होगा एक्स हमारा है जैसे जनरल केस होता ना ऐसा इसमें करते हैं यहाँ एक्स तो यहाँ भी एक्स होता है तो इसमें टू एक्स हो जाता है ओके तो यहाँ पे हम इक्वेशन क्या लिखेंगे एक्स इक्वल टू टू एक्स वन प्लस एक्स टू प्लस एक्स थ्री प्लस एक्स फोर एक्स वन को क्या लिखेंगे ये टी ये टी टू टी ओके टू टीवल टू क्या है के वन एक्स वन एक्स वन क्या हो जाएगा टू टी अपन के वन ये क्या हो जाएगा टू टी अपन के टू ये क्या हो जाएगा एक्स थ्री क्या हो जाएगा टू टी अपन के थ्री एक्स फोर क्या हो जाएगा टू टी अपन के फोर सारी वैल्यू डाल देंगे तो आपका के इक्नेंट आ जाएगा ओके के एक्वलेंट का फॉर्मूला आएगा आपके पास वन बाई फोर वन बाई के वन प्लस वन बाई के टू प्लस वन बाई के थ्री प्लस वन बाई के फोर आपको K1, K2, K3, K4 का थ्री कलेक्शन दे रखा है इनको डाल दीजिए तो आपको क्या है कि K की वैल्यू मिलेगी यहाँ से थ्री पाई स्क्वायर टाइम पीरियड क्या होता है टू पाई अंडर रूट एम अपॉन के एम आपको दे रखा 3. थ्री ये पाई स्क्वायर पाई कट जाएगा तो टाइम पीरियड आएगा आपका टू सेकेंड ओके यही आपका आंसर होगा

जीरो पॉइंट वन सेल्फ इंडक्टेंस कितना रखा है टेन एन एनर्जी की स्टोर कितनी है वन जूल एनर्जी स्टोर का क्या फॉर्मूला था हाफ एल आई स्क्वायर ये हो जाएगा हाफ टेन एन इंटू पॉइंट जीरो वन यहाँ से सोल्व करेंगे तो आपको क्या है एन की वैल्यू मिल जाएगी ट्वेंटी सर्किट देखिए यहां पर आपको एक लूप दिखा रखा है जो क्या है कि v नोट वेलोसिटी से चल रहा है यह वाला सेगमेंट इसके बाहर है मैग्नेटिक फील्ड के सेगमेंट अंदर है तो इस वाली पार्ट इंड्यूस सीएम नहीं आएगा खाली इसी पार्ट में आएगा कितना आएगा bvl ये टर्मिनल आपके पास ऐसा हो जाएगा इंड्यूस सीएम कितना हो जाएगा बी बी दे रखा आपको टू वी नोट हमको बताना है बीवीएल लेंग कितनी दे रखी है यहाँ पे आपको कहेगी वायर भुजा की लंबाई दे रखी है दस सेंटीमीटर मतलब जीरो पॉइंट वन मीटर ये तो इंड्यूसम आ गया पॉइंट टू वी जीरो विटिस्टोन ब्रिज बन रहा है थ्री ओम थ्री ओम थ्री ओम थ्री ओम थ्री थ्री ओम से कोई करेंट नहीं जाएगी थ्री थ्री सिक्स हो जाएगा थ्री थ्री सिक्स हो जाएगा सिक्स का थ्री हो जाएगा ओके और इस लूप का रेजिस्टेंस आपको दे रखा है वन ओम ओके तो आपके पास टोटल सर्किट का रेजिस्टेंस कितना हो गया चार ओम टोटल सर्किट का रेजिस्टेंस कितना हो गया चार ओम करंट कितनी चलेगी टू वी जीरो अपन फोर इतनी करंट चलेगी सर्किट में करंट कितनी वन मिली एंपियर तो यहां से अगर सोल्व करोगे तो आपको क्या वी जीरो की वैल्यू मिलेगी टू इंटू टेन की पावर माइनस टू ओके मीटर पर सेकेंड तो हमारा आंसर हो जाएगा टू ओके okay? तो डियर स्टूडेंट्स ये आपके कहिए डी टी एस थर्टी फोर का सोल्यूशन था आप कि हार्डवर्क करती रहिए अपने आप में ऑप्टोमिस्टेक रहिए और कंसेप्ट के अकॉर्डिंग क्या है कि पढ़ते रहिए तो आपका क्या है कि सलेक्शन हंड्रेड परसेंट हो जाएगा थैंक यू वेरी मच